नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम स्पीति में धनकर मोनेस्ट्री के बाहर खड़े हैं। मेरे साथ राजेश भाई हैं, झूले। राजेश भाई यहीं पर नज़दीक में गांव में रहते हैं, ये हमें मदद कर रहे हैं मोनेस्ट्री विजिट करने में। इनसे इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मैं आपको यहाँ का एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स दिखाना चाहता हूँ। कल जब मैं शाम को ये जो वर्टिकल पहाड़ देख रहे हैं, इनको बार बार देख रहा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा था ये मिट्टी के पहाड़ हैं। लेकिन आज जैसे अपने होटल से निकल के मैं वॉक करके जब यहाँ आया हूँ, तो मैं इनको नज़दीक से देख रहा हूँ, तो लग रहा है ये मिट्टी के नहीं है, ये सेमी रॉक टाइप है। तो ये ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं और ऊपर से ना पॉइंटेड है। तो राजेश भाई, ये जो मोनेस्ट्री हम विजिट करने जा रहे हैं, जितनी जानकारी मुझे है उसके हिसाब से दुनिया में 100 ऐसे जो स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो एंडेंजर्ड है, मतलब जो हिल सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, उनमें से एक ये मोनेस्ट्री भी है। तो धनकर जो मोनेस्ट्री है उसका जो लिटरल मीनिंग है, धंग मतलब क्लिफ। अभी हम क्लिफ पे खड़े हुए हैं, नीचे एकदम स्टीप है, और खर मतलब फोर्ट। पहले यहाँ पर फोर्ट हुआ करता था। बिल्कुल सर, क्योंकि आप ये जानते हैं कि स्पीति का एंशिएंट कैपिटल ही था धनकर, तो उस वजह से। बिल्कुल, इन्होंने सही बात बताई। कहीं मैंने भी पढ़ा था कि स्पीति का पुराना कैपिटल धनकर था, उसके बाद राजा काजा चले गए। तो हम मोनेस्ट्री के अंदर चलते हैं। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है फर्स्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड लास्ट ऑफ डिसोल्यूशन। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये लिखा गया वैसे ही यहाँ के लोगों का बिलीव है कि ये मोनेस्ट्री सबसे पहले बनाया गया स्पीति घाटी में। अगर इसका फ्यूचर में डिसोल्यूशन होगा तो ये लास्ट में आखिर में होगा। अंदर चलते हैं। मोनेस्ट्री गेट के बाहर ही धनकर मोनेस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये मोनेस्ट्री जो है, इसका निर्माण स्पीति के पहला रूलर निमागोन और उनके पुत्र के द्वारा बनाया गया, और उसको बाद में 11th सेंचुरी में इसका रिनोवेशन हुआ है। तो हम अंदर जाके देखते हैं। हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ना, भंग मतलब क्लिफ। अभी हम क्लिफ पे खड़े हैं, नीचे देखो कितना स्टीप है। और अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो एक दीवार है। कुछ साल पहले या काफी साल पहले यहाँ पर लोग परिक्रमा करते होंगे। बिल्कुल सर, जो यात्री आते होंगे। बिल्कुल सर। तो अभी इरोजन की वजह से वो सब हट गया और अब थोड़ा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इस स्ट्रक्चर को बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बाहर बाउंड्री वॉल बनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि नाइस व्यू। बिल्कुल, ये जो धनकर मोनेस्ट्री है ये बुद्धिज्म में गेलुपा सेक्ट से संबंध रखता है, और इसके जो प्रिंसिपल डाइटी है इसके फर्स्ट फ्लोर के साथ ही है। और यहाँ पर इसके अंदर खंडो चुजों के स्टेचूज है, और जिसको इसके इस रूम के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं है। इंस्टीट्यूट हेड लामा तो सिर्फ वही जा सकते हैं पूजा करने के लिए। ग्रेट। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ना, सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो आ रही है पिन नदी, और राइट हैंड साइड से आ रही है स्पीति नदी, और नीचे ही संगम पॉइंट है। तो बीच बीच में ये जो थोड़ा ये मड है या बजरी है, ये जैसे जैसे एरोजन हो रहा है इसमें बजरी और पत्थर है, गोल पत्थर दोनों का मिक्स रहे। अच्छा, नदी अपना रास्ता निकाल रही है। बिल्कुल सर, लवली। ओके, अंदर चलेंगे? चलेंगे सर। ओके, चलो। अभी हम टेंपल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ना इस फ्लोर पे मैंने यहाँ पर तीन सेक्शंस विजिट करे हैं। एक तो ये केव है सामने, तो वहाँ पर जो लामा जी हैं बैठकर प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इस जगह मंदिर है। यहाँ पर हमने मैत्रेय जी का स्टैचू देखा, फ्यूचर बुद्धा, और कुछ पेंटिंग्स भी हैं। और इस तरफ प्रेयर रूम है जहाँ पर अंदर टूरिस्ट नहीं जा सकते, लेकिन बाहर से हमने प्रेयर रूम के दर्शन करें। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर हमें किसी ने बताया था कुछ और पेंटिंग्स भी हैं। यहाँ से ठीक ऊपर ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से ऊपर जाके पेंटिंग्स देख सकते हैं। नागा संघ है, पेंटिंग्स है, बहुत ज्यादा व्यूज अच्छा है वहाँ पे। चलेंगे? चलेंगे। हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ के एक रूम तक आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स हैं। आपने बताया इसको नांगाजन बोलते हैं। नांगाजन बोलते हैं जी। तो यहाँ पर साल में एक बार मेडिसिन पूजा होती है। मेडिसिन पूजा होती है, और सारे ये जो पेंटिंग्स है ये पूरा कहानी पे रिलेटेड है। कुछ पेंटिंग्स तो लग रहे हैं नहीं है, और लेकिन नीचे वाली काफी प्राचीन पेंटिंग्स लग रही है। ये जो बारीक पेंटिंग्स है इनका रेनोवेशन नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़े पेंटिंग का तो रेनोवेशन हुआ है। सही है, चलो नीचे चलेंगे।
मोनेस्ट्री से 200 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पर इनका होटल है। आपके होटल का नाम है होटल धनकर हाइट्स। हमें रूम दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर। और आपके यहाँ पर सीबक थॉर्न से चाय बनाते हो? बिल्कुल सर, अभी पिलाते हैं आपको। पिलाओगे? सही है। राजेश भाई, रूम तो काफी बड़ा है, तो क्या टैरिफ लेते हो? 1500 सर। 1500 रुपए। यहाँ पर बाहर बैल्कनी भी है? अच्छा, वाह। अच्छा, मोनेस्ट्री सामने, वेरी गुड। यहाँ लेफ्ट साइड में जो बर्फ वाली पीक है ना, उसको मणिरंग पीक बोलते हैं। कल मुझे किसी ने बताया ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, 400 की आबादी है। राजेश भाई ने हमारे लिए सीबक थॉर्न की चाय बनाई है। मैं सीबक थॉर्न का सिरप भी पहली बार देख रहा हूँ और चाय तो ऑब्वियसली पहली बार ही पी रहा हूँ। ये बॉटल है, क्या कीमत है इसकी? 450। तो हमको काजा में ये बॉटल खरीदने को मिलेगी? मिल सकता सर। मिल सकता है। और इसका वो देखना हो, पौधा प्लांट जो भी होता है? प्लांट्स ये स्पीति रिवर के आसपास इसके प्लांट्स मिल जाएगा। चलो ये भी ट्राई करेंगे, टेस्ट देखें। मीठा आपने चीनी डाली है क्या? चीनी डाली है। अच्छा, तो वैसे टेस्ट क्या मीठा होता है? मीठा होता है थोड़ा बहुत। एक बार इसको मैं ना बिना चीनी के भी ट्राई करूंगा, उससे पता लगेगा बेरी का टेस्ट कैसा होता है ज्यादा अच्छे से। बाकी ऐसा जरूर लग रहा है मुझे कि मैं कोई हर्बल ड्रिंक पी रहा हूँ। ओवरऑल गुड टेस्ट। हर्बल ही है सर। हर्बल ही है ना। अच्छा, यहाँ से लालुंग मोनेस्ट्री कितना दूर है? 7 किलोमीटर। ठीक है, अब हम वहीं पे जा रहे हैं और आपको करते हैं हम कुछ देर में दोबारा ज्वाइन। ठीक है सर। थैंक्स राजेश भाई। हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। इस समय यहाँ पे लामा जी नहीं है, लेकिन यहाँ पर गांव के एक निवासी हैं उर्गेन जी, जो हमें मंदिर में अंदर चल के दर्शन भी करवाएंगे और इस स्थान के बारे में जानकारी भी देंगे। जितना मैं जानता हूँ, धनकर मोनेस्ट्री के अंडर ही ये मोनेस्ट्री आती है। जी जी, है ना? हाँ जी। ठीक है, इस गाँव की आबादी कितनी है? इस गाँव का आबादी है जी 450 लगभग। 450 लोग। ओके, अंदर चले जी। दर्शन कर रहे हैं गुरु पद्मसंभवा जी के। ये गुरु पद्मसंभव जी का, ये मैत्री बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा, ये एक लामा था पहले, उनका मूर्ति है। छुजिरंबोचे हम कल्पा नाको टाबो भी गए थे, तो हमने वहाँ पर एक ही हॉल में इतने सारी देवी देवताओं के दर्शन नहीं करे जितने हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये पहली मोनेस्ट्री है पिछले 4-5 दिन में जहाँ हमने विजिट किया और इतने सारी देवी देवताओं के एक ही स्थान पर हम दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ स्पीति। यहाँ पर वॉल में सामने हम कुछ पेंटिंग्स भी देख रहे हैं। ये पेंटिंग्स को देख के भी लग रहा है कि ये भी पेंटिंग्स काफ़ी प्राचीन है। मूर्तियाँ तो देखकर हम अंदाज़ा लगा ही पा रहे हैं इस बात का। जब हम कल्पा गए, नाको गए और टाबो गए, तो हमें बताया गया लोचावा रिंचन ज़ेंगपो जी द्वारा दुनिया भर में 108 मंदिर तैयार किए गए थे और वो सारे एक ही रात में हुए थे। तो ये स्थान भी उन्हीं 108 में से एक है? 108 में से एक है। बहुत अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए, बहुत पूजनीय स्थान के यहाँ पर आके हमने दर्शन करे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ऐसा कहते हैं लोचावा रिंचन ज़ेंगपो जी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने यहाँ पर ना अपनी एक लाठी ज़मीन में गाड़ दी थी, तो उसके बाद अगले दिन ही एक पेड़ निकला है जो पूरी तरह से हरा भरा था, तो उसके बाद यहाँ पर ये मंदिर बना, तो ऐसा मुझे यहाँ पर आके जानकारी मिली। लालुंग से अभी हम 8 किलोमीटर आगे चले, हमने गाड़ी रोकी है एक फॉल देखने के लिए। सामने देखो बड़ा प्यारा सा वाटरफॉल है और जिस नदी में मिल रहा है इसको लिंगती नदी बोलते हैं। यहीं आगे लिंगती गांव है, तो ये देखो नदी का पानी करंट, और आगे जाके सामने दिखाई दे रहा है हमको नदी ना, लिंगती नदी स्पीति में मिल रही है। 15-20 मिनट यहाँ पर रुकते हैं, आपको थोड़े व्यूज़ दिखाते हैं, फिर आगे देखते हैं। लिंगती में अगर हमें कुछ लंच करने को मिले तो वहाँ लंच करेंगे, नहीं तो
आगे जाएंगे। हमारे गाड़ी के ड्राइवर ने हमें बताया लालूंग से लेके पिन वैली तक लंच की सिर्फ एक ही ऑप्शन है लिंगती गांव में, अगर वो भी शॉप खुली मिल गई तो लंच होगा। एनीवेज हम यहाँ पर पहुँच गए और ये छोटा सा ढाबा ये खुला हुआ मिल गया। अब इनके पास ना केवल मैगी है तो हमने सोचा कि मैगी ही खा लेते हैं और फिर आगे हम पिन वैली को जाएंगे। तो मैंने एक लेडी हैं जो शॉप रन करती हैं उनसे पूछा भी तो कह रहे हैं कभी कभी ओपन करते हैं ढाबा, रोज़ नहीं ओपन करते, मतलब वैसे वो खेत में रहते हैं, कभी हफ्ते में दो दिन तीन दिन ओपन कर लिया। चलिए जी मैगी फिनिश करके हम यहाँ से पिन वैली को चलेंगे। अभी हम एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां से हम सीधे 16 किलोमीटर चले जाएं तो काजा पहुंच जाएंगे, ब्रिज पार करके इस तरफ आ जाएं और 34 किलोमीटर चले जाएं तो पिन वैली को पहुंच जाएंगे, जहां पर अभी मैं खड़ा हूं। पीछे आपको गेट दिखाई दे रहा है, वेलकम टू पिन वैली। हमें पिन वैली में मुद विलेज जाना है। सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है ब्रिज के उस पार, वो जो रोड है ना वहां से हम चलते चलते यहां तक आए, तो मुझे लगा 10-15 मिनट थोड़ा रुकते हैं, यहाँ की तेज हवा को महसूस करते हैं, तो मैंने गाड़ी के ड्राइवर को बोला भाई अब 10-15 मिनट वहाँ रिलैक्स करो, उसके बाद यहाँ से हम एक घंटे का सफ़र करके पिन वैली को जाने वाले हैं। इस मूवमेंट पे मैं श्योर नहीं हूँ रात को पिन वैली रुकेंगे नहीं रुकेंगे, वो मैं पिन वैली पहुँच के ही डिसाइड करूँगा। हम पिन वैली की ओर जा रहे थे, रास्ते में हमारी इनसे मुलाकात हुई, इनको संगम गांव जाना था जो कि हमारे रास्ते में ही था तो हमने इनको लिफ्ट दे दी। इस समय तो हम गांव तक पहुंच चुके हैं, रास्ते में इनसे हम कस्टम्स कल्चर के बारे में समझना चाहते थे, बहुत कुछ हमने समझा। तो आप किन्नौर के रहने वाले हो जी, तो रास्ते में आपने जो हमें काफ़ी सारी बातें बताई उनमें से आपने जो शादी को लेकर बात बताई कि किन्नौर में 60-70% लोगों की उनके जीवन काल में दो बार शादी होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दो बार शादी होती का मतलब कि वही मैच वही कपल दो बार शादी करता जी। है। थोड़ा सा इसके बारे में बजाय मैं आगे बताऊं, आप ही बताएंगे तो बेहतर रहेगा। एक साधारण तरीके से शादी होती है जी, दूसरा हर माँ बाप का तमन्ना होता है कि उनका बेटा बेटी का अच्छे से बड़े से शादी हो जाए, जैसे कि हम उनको थोड़ा बहुत सामान देना चाहते हैं जो जमा पूंजी इकट्ठा नहीं हो पाता है, इसलिए हम 4-5 साल के बाद भी उनका बड़ा शादी करना अच्छा समझते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा रीति रिवाज है जी। अच्छा हाँ जी, तो आमतौर पे कितना गैप होता है छोटा शादी और बड़ा शादी में? छोटा शादी तो पहले कर लेते हैं जी, और दूसरा शादी कम से कम 5-6 साल में तो हम जरूर करना चाहेंगे सर। मैंने सुना हिमाचल में जब शादी होती है तो 1,000-1,500 लोग आते हैं जी, नजदीक के सब लोग गाँव के सब आ जाते हैं जी। तो इसका मतलब दोनों शादी में उतने ही लोग आते हैं? हाँ जी, छोटा शादी में जैसे गाँव के ही मतलब अपने गाँव के ही लोग इकट्ठा होते हैं सर, दूसरा शादी में बड़ा शादी में मतलब दूर दराज के जितने भी मेहमान हो या रिश्तेदार हो उन सबको हम कार्ड भेजते हैं सर, वो सब हमारे वहाँ आते हैं बड़ा शादी में शामिल होते हैं सर। अच्छा, अभी मेरी एज है जी 52 वर्ष और मैंने 18 वर्ष की उम्र में शादी की जी, मेरे 3 बच्चे हैं और बड़ा शादी मैंने 38 में किया था सर। तो आपके बच्चे भी उस समय बड़े हो गए? बड़े हाँ जी, मेरे बड़ा और लड़का +2 में था सर उस टाइम। अच्छा जी, अच्छा, तो इस तरह के कस्टम के बारे में आज से पहले कभी मैंने कहीं सुना नहीं? नहीं नहीं, होते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं सर ये तो। अच्छा, आपके यहाँ किन्नौर में काफ़ी? किन्नौर में काफ़ी हाँ जी। चलो, इनको हमने यहीं ड्रॉप करना था तो मुझे लगा कि बजाय मैं इस बात को समझाऊँ अगर यही बोल देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा लगा आपसे मिलकर, रास्ते में बहुत कुछ आपसे हमने किन्नौर और किन्नौर के कल्चर के बारे में जाना। धन्यवाद। धन्यवाद। पिन वैली के लिए जब से हमने टर्न लिया है ना
पिन नदी हमारे साथ साथ चल रही है। अब हम मुदविले से 4 किलोमीटर पहले रुके हैं ये लकड़ी का ब्रिज देखने के लिए। जब से हम चल रहे हैं ये देखा है कि ये पूरा वैली एरिया है और जो पहाड़ है ना ये बहुत अलग है। पहला डिफरेंस तो ये है, यहाँ पे कोई धूल मिट्टी नहीं है। जैसे हमने पहले देखा कि पहाड़ों में ड्राई हो जाता है ना तो धूल मिट्टी हो जाती है, यहाँ पे पहाड़ों में एक छोटी छोटी घास उगी हुई है तो इसकी वजह से धूल उड़ती नहीं है। रास्ता तो नैरो है, दो गाड़ियाँ फिर भी पास हो जाती हैं एक ही बारी में। सामने पानी का करंट देखो अच्छा खासा तेज है और ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब दो पहाड़ के बीच का फर्क। तो नदी को जो हम जितनी पूरी विड्थ में देख रहे हैं ना सही लग रहा है। मैं एक बार ब्रिज के ऊपर चढ़ के आपको वहां से हेलो करूंगा। ऐसा लग रहा है मैं भी चल रहा हूं और पुल भी चल रहा है। बॉय गॉड, पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है। By God, बड़ा ही खतरनाक ब्रिज है। पूरा ब्रिज लकड़ी से बना हुआ है, ऊपर लोहे की रॉड है। इस समय पानी का बहाव इस तरफ को है। अगर मैं उधर देखता हूँ, मतलब पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं पानी का अगेंस्ट चल रहा हूँ, और इधर देखता हूँ तो लगता है पानी के साथ ब्रिज भी बह रहा है और मैं ऊपर चल रहा हूँ। सीरियसली मैंने 2 या 3 बार बीच में रुका, जैसे मैं नीचे देखा ना तो एक बार के लिए लगता है या तो मैं गिर जाऊँगा या ब्रिज गिर जाएगा। जो यहाँ के लोकल गांव वाले हैं वो इस पुल को यूज़ करके उस पार जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी कुछ घर हैं, सामने घर दिखाई दे रहे हैं। इस समय हमारे सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं है, खाली एक बोर्ड लगा हुआ है इधर कि अगर आप सेल्फी लेना चाहते हो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, तो अभी लेकिन कोई पर्सन नहीं है जो सेल्फी यहाँ पर मतलब हमें ट्रेडिशनल ड्रेस पहना सके। कुल मिला के वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुद गांव तक हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, गाड़ी हमने फिर से रोक ली है। जहां पर हम ब्रिज में रुके वहां से लेके यहां तक मेरे को 2 या 3 जगह पानी की इस तरह की स्ट्रीम दिखी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। यहां पर गाड़ी रोकी हमने क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया कि यहां रुक के इसको अच्छे से देखे। देखो कितना शानदार व्यू है, दूर दूर ऊपर तक कहाँ से पानी उतर रहा है उतर रहा है उतर रहा है, बड़े बड़े पत्थरों के बीच से गुजरता हुआ। दिस प्लेस इज सो गुड। इस समय यहाँ पे मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, जैकेट पहन ली गई है। सामने के पहाड़ के ऊपर आपको थोड़ी सी बर्फ़ भी दिखाई दे रही है, इधर भी बर्फ़ इधर भी बर्फ़ और यहाँ ऊपर भी बर्फ़, तो इससे पता लग रहा है हम थोड़ा हाइट पे आ गए हैं। सही है, सामने एक गवर्नमेंट बस भी आ रही है तो इसका मतलब यहाँ पर बस कनेक्टिविटी भी है। तो मैं जब हम मुद विलेज पहुँच जाएंगे मैं पता लगाऊँगा कि ये दिन में कितनी बार बस आती है। फाइनली हम मुद विलेज पहुंच चुके हैं जहां पर हमने रहने के लिए एकोमोडेशन लिया है। इस समय मैं उस होटल के बाहर ही खड़ा हूं, मेरे साथ इस होटल के ओनर हैं सोनम भाई। सामने इनका बोर्ड लगा हुआ है पिन पार्वती होटल एंड रेस्टोरेंट, नीचे उनका व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है लेकिन यहां पर नेटवर्क नहीं पकड़ता, तो आप कुछ मैनेज करते होगे किसी के थ्रू। हाँ क्योंकि हाँ अभी मैंने देखा यहाँ BSNL प्राइवेट ऑपरेटर्स किसी का भी नेटवर्क नहीं है और पिछले 12 किलोमीटर पहले नेटवर्क छूट गया था। सोनम भाई मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, आज हम लोग ने शिमला से जर्नी अपनी शुरू करी थी, तब से लेके यहाँ तक आज हमारी जर्नी का 9th डे है, 9वां दिन है। जो व्यू मैं यहाँ पर खड़े होकर देख रहा हूँ, ये पूरी जर्नी का जो 9 डेज की जर्नी है टॉप 5 व्यूज़ में है, टॉप 5 व्यूज़। तो आप सोचो क्या व्यू हमारे को यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस समय
सात बजे से ऊपर का टाइम हो गया, 7:10 हो गया। नीचे किसकी मटर की खेती हो रही है? इस पूरे एरिया में मटर ही ग्रो होता है, मटर के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और पहाड़ में क्या फ़र्क है कि यहाँ पे पहाड़ पे ना हल्की हल्की घास है, मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पहाड़ पे डस्ट नहीं है और हवा तेज़ चलती है, मौसम यहाँ ठंडा रहता है। ये रोड है, यहाँ पे 3-4 गेस्ट हाउस है, जिसमें से एक इनका ये गेस्ट हाउस है, और भी हमने रास्ते में 2-3 देखे थे, लेकिन इनका थोड़ा पुराना है। हमें हमारे ड्राइवर ने बोला कि आप यहाँ पे रहिए, आपको ये कुछ ट्रेडिशनल फूड में भी बना के देंगे, तो हमें वैसे भी बड़ा पारंपरिक खाना बहुत पसंद होता है। तो आप एक बार 10-15 मिनट में कुछ सोचिए कि आप हमें यहाँ लोकल में क्या खिला सकते हैं, फिर हम आपसे 15 मिनट में दोबारा संपर्क करेंगे, ठीक है जी? आप लोगों को टेंटुक वगैरह खिला सकते हैं, लोकल पिज़्ज़ा हमारा पिज़्ज़ा है। अच्छा, लोकल पिज़्ज़ा, चलो ये तो पक्का करो। फिर वेज मोमो चाउमीन ये तो हर तरह का मिलता है, ठीक है, हमारे और चीज़ें बहुत बनता है। तो एक तो लोकल पिज़्ज़ा पक्का है, जैसा भी होगा मेरे को नाम से लग रहा है कि ये हमें खाना चाहिए। और तब तक आप अगले 5-10 मिनट में सोचिए और क्या खा सकते हैं, तब तक हम लगेज रखवाते हैं। सामने ना रोडवेज की बस खड़ी हुई है, जरा इनसे पता लगाते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए? हम काजा से हैं जी। काजा से? तो काजा से यहाँ से यहाँ तक लगभग 50 किलोमीटर का सफर है, तो दिन में कितनी बस चलती है? एक ही गाड़ी जी। एक ही गाड़ी शाम को जो 4 बजे चलती है मुद के लिए काजा से। 4 बजे चलेगी, 6 बजे यहाँ पहुँचेगी, और यहाँ से रिटर्न काजा सुबह 6:30 बजे। वो भी एक ही गाड़ी है? वो एक ही गाड़ी जाएगी शाम को। ओह, तो इसका मतलब अगर आपको काजा से यहाँ आना है या वापस जाना है, टाइम पता होना इम्पोर्टेंट है। 4 बजे शाम को चलेगी, सुबह 6:30 बजे यहाँ से काजा। रिकॉन्ग पियो से काजा के लिए डायरेक्ट बस कितनी है? एक ही गाड़ी है। रिकॉन्ग पियो से काजा एक ही बस है? एक ही गाड़ी है, 7:30 बजे चलेगी पियो से। पियो से 7:30 सुबह चलेगी, 10 घंटे लग जाते होंगे? 10 लगभग 10 लग जाते हैं। हाँ, तो आज रात को आप गांव में रुकोगे? हाँ जी, गांव में। सही है, हम भी रात को इधर ही रुक रहे हैं, तो सुबह 6:30 बजे आपको बाय बाय करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है? अच्छा लगा आपसे मिलकर। नज़दीक में सोनम भाई का होमस्टे है, तो होमस्टे के साथ ही इनका घर है। इस समय इनके घर के किचन में हम आए हैं, सोनम भाई, इनकी बहू, और ये साथ में इनकी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या बना रहे हैं? लोकल पिज्ज़ा। वाह, और यहाँ पे सोनाली बना रहे हैं, ये लोकल डिश है। लोकल डिश है, तो पहले ये देखते हैं आप ये कैसे तैयार कर रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए कैसे बनाए। ये आटा गेहूँ का आटा है? इसमें मैदा भी है? गेहूं का आटा, तो ईस्ट और नमक डाल के ना। गेहूं के आटे में थोड़ा ईस्ट और नमक डाला? अच्छा, 2 घंटे के लिए रखना पड़ेगा इसको, ठीक है, देर के लिए। फिर चपाती बना के फिर फूल जाता ना ये ईस्ट की वजह से, फिर इसको कट करते। हाँ हाँ, अच्छा, गेहूं के आटे में आपने थोड़ा ईस्ट डालने से वो फूल गया, और फिर जैसा चपाती बनाते हो वैसा कर दिया। वाह क्या बात है, जबरदस्त। होममेड पिज्जा रेडी है, इसको अब हम टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये मैंने ये टच किया ना, तो आउटर सरफेस अच्छा क्रिस्पी हो गया, और यहां से दिखाई दे रहा है चीज मेल्ट हो चुका है। स्वाद मुझे पसंद आया, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च छोटा छोटा काट के जब तवे पे रखा, ऊपर चीज़ डाला, तो चीज़ मेल्ट हो गया ना, जैसे नॉर्मली आमतौर पे पिज्ज़ा में भी होता ही है। तो वैसा इन्होंने घर में एक अच्छा अटेम्प्ट किया, तो मेरे को ये स्वाद पसंद आया। सोनम भाई, पिज़्ज़ा मेरे को पसंद आया, तो ये बना रहे हो, मैं इसका नाम सोनाली सोनाली, ठीक है। अब मैंने जो देखा, आटे को गूंद कर, गेहूं के आटे को गूंद कर आपने ऐसा हाथ से रोल कर दिया और बड़ा बड़ा सा बना दिया। अब इसको आप पानी में डालकर बॉईल करेंगे। तो सोनाली बनाने के लिए सबसे पहले आप मक्खन डाल रहे हो पैन में। अच्छा खासा मक्खन लग रहा है। मक्खन कितना लगेगा? तो अच्छी अच्छी बात है।
लस्सी बचाता है, लस्सी को उबाल के फिर ये पनीर बनता है। अच्छा, इसमें आपने लहसुन डाल दिया? लहसुन डाल दिया। इसमें आपने छुरपी का छोटा दाना डाल दिया। इसको आप लोग क्या बोलते हो? छुरशिप। छुरशिप, छुरशिप, हाँ याद आ गया। इसको बड़े करके भी सुखा सकते हैं, छोटे करके भी। अच्छा, चीनी? अब ये डाल रहे हैं चीनी। वाह। अब जाएगा मक्खन। वाह। लो जी, हमारी सेकंड डिश भी रेडी है। इसको कहते हैं शुनाली। अभी बनते समय हमने देखा और एक बार के लिए तो मैं दंग रह गया कि बना कैसे रहे हैं। कुछ नया ट्राई करने के हिसाब से मेरे को अच्छा लगा। सिर्फ ये है कि मल्टीपल टाइम्स खाना पड़ेगा तब इसका टेस्ट समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ पहली बार खा रहा हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे अंदर से थोड़ा कच्चा कच्चा है, जबकि रियलिटी वो नहीं है। हो गया बट ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। तो होता ही ना कोई चीज़ इस तरह की, आप पहली बार खाओ तो एकदम से अपील नहीं करती। देखो, मीठा तो है ही क्योंकि चीनी है और मक्खन अच्छे से रला मिला हुआ है। इसमें ना इन्होंने जो लहसुन डाला है ना, वो बहुत यूनिक टेस्ट दे रहा है। नॉर्मली कभी आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करोगे किसी डिश के अंदर चीनी भी हो और लहसुन भी हो। मैं तो पहली बार ऐसा कोई कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ और मज़ेदार है। एटलीस्ट ये लहसुन वाला कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल मज़ेदार है। अब मैं आपको यहीं पे बाय बाय करने वाला हूँ। फूड फिनिश करके यहाँ से हम अपने होटल चले जाएंगे। हमारा होटल यहाँ से नज़दीक ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर। मौसम यहाँ पर ठंडा है, मैंने स्वेटर पहना हुआ है। होम स्टे ओनर ने भी मेरे को बताया यहाँ पर सर्दियों के समय 8 से 10 फीट बर्फ पड़ती है और अभी गर्मियां चल रही हैं तो भी आज इसी मोमेंट में अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 4 डिग्री तो पक्का होगा। उससे अब अंदाज़ा लगाइए, मौसम यहां पे काफ़ी ठंडा है। आज का ये एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूंगा। और आपको अभी बाय बाय कर देते हैं। जो हमारी कल की जर्नी है वो आप अगले एपिसोड में देखोगे। दैट्स इट, थैंक्स फॉर योर टाइम। सच बताऊं तो जान निकल गई है। अभी 1 घंटा हो गया हमारे ऊपर चढ़ते चढ़ते। क्या होता है, कुछ कदम चलो तो सांस चढ़ जाता है। ऑक्सीजन भी यहाँ पर मुझे लग रहा है नॉर्मल से कम ही है क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा हाइट पे हैं। अभी 10 मिनट रुकूंगा यहाँ पर, अच्छे से सांस लूँगा, रिलैक्स करूँगा, फिर ऊपर जाऊँगा।